सवाल ये तो है कि आतिशी ने आरोप लगाए, लेकिन इसके साथ सवाल ये भी है कि एक ही लाइन और लेंथ पर सब चलते हुए नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल कह देते हैं कि मुझसे कहा गया आइए बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, मनीष सिसोदिया कहते हैं कि मुझ पर दबाव बनाया गया, फिर आतिशी भी वही राग अलापती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लीगल नोटिस भेजने के साथ आतिशी का निशाना चूक गया है, गलत जगह लगा है? पूर्णिमा जी, देखिए आतिशी जी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा और बीजेपी के लीगल नोटिस पे, ये आम आदमी के प्रवक्ता ठीक से बात रख पाएंगे? मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर हम लोगों ने लगातार देखा है कि बीजेपी ने किस तरीके से नेताओं को पोच किया है। आज ही की इंडियन एक्सप्रेस की तो खबर है कि 25 ऐसे नेता हैं देश के बड़े जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही थी, उसमें से 23 नेता तो आज भाजपा में, तो जो 23 नेता वहां चले गए उसमें से 3 के ऊपर जो मुकदमे थे वो खत्म कर दिए गए और 20 लोगों के जो मुकदमे थे वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो ये पिछले 10 साल के अंदर भाजपा ने जो अपने प्रकोष्ठों के माध्यम से दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को पोच करना शुरू किया है, ये उसी कड़ी में एक और चीज दिखती है। बात तो आज ये है कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि इस पिछले 10 साल के अंदर इस देश के युवाओं का जो विकास हुआ उसका आप हिसाब दे दीजिए, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है। इस देश की महिलाओं ने जो रसोई में मार झेली है आप उनके विकास का हिसाब दे दीजिए। मणिपुर में जो महिलाएं आज भी इस आशा के साथ सरकार को देखती है कि उन्हें न्याय मिलेगा आप उसका हिसाब दे दीजिए। वो जो किसान साल साल भर सड़कों पर खड़े रह गए और उनको एक MSP नहीं दे पाए आप उनका हिसाब दे दीजिए। तो देश का हर वर्ग अपने विकास का हिसाब मांग रहा है और भाजपा के पास आज सिर्फ जुमलों के और दूसरे नेताओं को अपनी पार्टी में लेकिन और कुछ बचा नहीं है पूर्णिमा। लेकिन नीरज जी, अभी तो फिलहाल हिसाब किताब आप और आम आदमी पार्टी मिलकर साथ साथ बराबर कर रहे हैं ना, अभी के फिलहाल स्थिति तो यही है ना। तो आज मुझे लगा क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ऐसी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती नहीं है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते और आम आदमी पार्टी के साथ अपनी साठगांठ के साथ आप उनके लिए कुछ स्टेटमेंट जरूर देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद थी। और अगर आगे ऐसा आप कर पाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बहरहाल राकेश सिंह जी, आपके पास आते हुए, लीगल नोटिस क्यों और जिस बात का जिक्र नीरज जी कर रहे हैं, ये तो बड़ी पुरानी रवायत है बीजेपी की कि भाई यहां से इसको ले लो, वहां से उसको ले लो, और इसीलिए तो ये कहते हैं कि आपकी अपनी वॉशिंग मशीन भी है और मोदी जी वॉशिंग पाउडर है, सारे के सारे दाग धुल जाते हैं। नहीं, दागी ये यहां कहां से रहे, ये इनके बगल में बैठे रहते हैं, जो दाग है आप इनके बगल में रहते हैं तो दाग ही रहते हैं, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं तब वो कहते हैं कि दाग ही होंगे, तब तक साफ रहते हैं। दूसरी बात यह कि जिस हिरान घोटाले में जमानत पर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जरा नीरज जी बताएं कि वो कब तक कैसे, क्या भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में थी जब केस चल रहा था? अरे आप जीप घोटाले से लेकर साइकिल घोटाले से लेकर बोफोर्स घोटाले से लेकर कूटी घोटाले से लेकर जीजा जी घोटाले से लेकर बीजेपी कहीं नहीं थी, सरकार में नहीं थी। ये आपके चरित्र का हिस्सा है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या आप दोषी है कि नहीं दोषी है, आपको सिर्फ यह बताना है कि क्या शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, आपको सिर्फ नीरज जी ये बताना है कि अजय माकन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वो कहते थे कि ये है पूरा घोटाले का कच्चा चिट्ठा, क्या अजय माकन झूठे थे, कांग्रेस झूठी थी या कोई और झूठा था? अजय माकन सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे? नीरज जी बस इतना बता दीजिए। लेकिन राकेश जी, आपको भी तो एक बात सीधी सीधी बतानी है, और सीधी सीधी बात आपकी सिर्फ इतनी है कि आतिशी को ऑफर दिया बीजेपी ने या नहीं दिया, मनीष सिसोदिया को ऑफर दिया या नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल को ऑफर दिया या नहीं दिया, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए तमाम नेताओं को अप्रोच किया या नहीं किया, इसका जवाब भी तो बीजेपी को देना है ना, जब सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगते हैं तो। जब नोटिस गया है उसका जवाब वही देंगे, उनकी करीबी तो करीबी से संपर्क किसने किया ये जवाब कौन देगा? जब ये आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते थे, माननीय गडकरी जी के ऊपर लगाया, मजीठिया जी के ऊपर लगाया, माननीय जेटली जी के ऊपर लगाया, जब अदालत गए अदालत ने कहा माफ कर दीजिए मेरे आरोप गलत थे, हुजूर माफ कर दीजिए मेरे आरोप गलत थे, तो अदालतों में केजरीवाल इंडी गठबंधन के जो नेता है अदालतों में अपने आरोप
अदालत से कहा कि मुझको माफ कर दीजिए मैं गलत, तो इस तरह के आरोप जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लग रहे हैं वो सिद्ध हो चुके हैं अदालत में। इनके लगाए गए एक एक आरोप अदालत में झूठे साबित किए और झूठ सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी हिंदी गठबंधन और कांग्रेस का चरित्र है, क्योंकि अदालत में इन्होंने माफी मांगी है कि मुझको माफ कर दीजिए मेरे सारे आरोप गलत थे। राकेश शुक्ला जी, जो आतिशी की तरफ से आरोप लगाए गए कि मुझे बीजेपी में आने का ऑफर दिया गया, बीजेपी ने उसके लिए भले ही लीगल नोटिस दे दिया हो, लेकिन क्या ये एक तरीके का डिफेंस है जो आतिशी पहले से तैयार कर रही हैं? क्योंकि ये हम सबने जाना कि जब ईडी अपनी दलीलें पेश कर रही थी, अरविंद केजरीवाल ने क्लियर कहा कि भाई विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता। विजय नायर किसको रिपोर्ट करता है? आतिशी मर्लिना को करता है, सौरभ भारद्वाज को करता है, ये दो नाम आए और एक ऐसा एक्सप्रेशन था कि अनएक्सपेक्टेड कि इन ये दो नाम भी लिए जाएंगे, तो क्या एक तरीके का डर है कि अगला नंबर आतिशी मर्लिना का खुद हो सकता है और उससे पहले का ये डिफेंस है वही सेम डिफेंस जो खुद मनीष सिसोदिया ने पहले दिया और इसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल भी कर चुके? पूर्णिमा जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी के अलावा किसी विधायक में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो पार्टी को तोड़ के एक बड़े तबके को किसी दूसरे दल में शामिल कराने की हैसियत रखता। दूसरा, एक बड़ा बड़ा पॉकेट है, यानी कई विधायक हैं आम आदमी पार्टी में जिसमें तोड़ के कहीं जाने के लिए आपको 1/3 होना जरूरी है। एक एक विधायक को तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि एक एक विधायक को जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि 25 करोड़ दे रहे, 50 करोड़ दे रहे, अरे जब राज्यसभा चुनाव में के लिए पैसा खर्च भाजपा नहीं की, आपके हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस के ही हर्ष मल्होत्रा को खड़ा किया और कहा 25 विधायक हमारे हैं, बाकी की व्यवस्था आप कर लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी एक डिप्लोमेटिक चाल खेलती है, वो पैसा देके विधायक खरीदेगी और वो भी 2-4 विधायक नहीं खरीदना पड़ेगा, कम से कम 45 विधायक खरीदने के बाद दिल्ली में सरकार बनाने की स्थितियां होंगी। तो आप आम आदमी पार्टी, लेकिन राकेश जी ये तो आप मानेंगे ना, ये तो आप मानेंगे ना कि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज की, दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, फिर उसके बाद जब यहां पर निगम के चुनाव हुए, लगातार आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हुई दिल्ली में नजर आई और उसके बाद पंजाब की विक्ट्री, फिर बाकी देशों में अपनी किस्मत को, बाकी राज्यों में अपनी किस्मत को आजमाना, जाहिर बात है ना कि यह तो बीजेपी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि अचानक से कोई एक ऐसी पार्टी आएगी और इतनी मजबूती के साथ वो खड़ी हो जाएगी। यही तो आरोप लगाते हैं कि हम ही हैं इस वक्त सक्षम जो बीजेपी को और मोदी को हरा सकते हैं, इसीलिए हमसे डर है। मैंने रामलीला मैदान का कवर किया है, वो आंदोलन, अन्ना आंदोलन, लोकपाल विधेयक को लेके बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। हम लोग रोज जाते थे रामलीला मैदान में, रात में 12:30-1 बजे, आपको भी याद होगा, अरविंद केजरीवाल जी लाइव कथा करते थे, ये दिल्ली की पूरी जनता देखा करती थी। जब 2013 में पार्टी बनी और पहली बार चुनाव हुआ तो कार्यकर्ता नहीं थे आम आदमी पार्टी के पास, मतदाताओं ने चुनाव लड़ा था, मतदाता चुनाव लड़के समाजवादी पार्टी को जिताए, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो फिर मतदाताओं ने चुनाव लड़वाया, समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा बहुमत दिया। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी की जीत नहीं हुई है, एक बार, दो बार, फिर उसके बाद नगर निगम चुनाव में भी जीत हुई, और एक ईमानदार पार्टी की जो छवि गायब हुई उसी के चलते पंजाब में जब मतदाताओं को अकाली दल और कांग्रेस दोनों में विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी दिखी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जिस ईमानदारी के बुनियाद पर ये पार्टी खड़ी हुई थी वो बुनियाद ही कमजोर, कट्टर ईमानदार पार्टी खुद को बताने वाली आज भ्रष्टाचार के सबसे गंभीर आरोपों को झेल रही है और उनके मुखिया जेल में हैं और सिलसिलेवार तरीके से उनके नेता भी